ना राम राम। आप सब ठीक ठाक सो? मैं बनाऊ हूँ दाल। शाम का टाइम हो गया है, मेरी दाल लकड़ भी गई थी। देखो दाल रंधन लाग रही है। पहला मैंने ये मैं झाड़ू झूड़ू का ढूंढी अपनी पहला दाल दर दी थी। तड़का यार बाखर लकड़ गया था, यो चावल है खंड रहा है। मेरी सासू गई गोबर गेरने, मैं घर का काम करूंगी, झाड़ू काटूंगी, साके काशन मांजूंगी, अरे सुखा पापा बे होगा सानी। जो दो फारे सानी बे थी वह एक बरना कर दी, पहचान छोड़ दी थी नहीं बे होगा तड़के ताई की सानी बे देगा इसने। ये में जो रेत माटे होगा वो उठा देगा, कोई लिकड़ा लकड़ा होगा वो उठा लेगा, फिर बे होगा। सानी बहुत सुतरी बया करे, वो बहुत सुतरे हाथ मारेगा भी सानी में। अना लाडू है बन जा करे तूड़ी बे हुए, जब ये लाडू नहीं बन ये सुतरी सानी बे कर फिर यो चरा होगा पैसा ने खोल के लाओगा मारी भैंस बन जा कर। सरसों की खल से भिगोते हैं तूड़ी को, और हरा चारा तो आजकल ख़त्म हो रखा है। सरसों की खल वैसे ठंडी होती है, गर्मी में खिलानी चाहिए। हम खिलाते हैं, तेल निकलवाते हैं घर पे ही, और फिर जो उसकी खड़ी बचती है उसको खिला देते हैं पशुओं को। इसको आज शाम को अभी भिगो देंगे और फिर कल दोपहर को भी यूज़ करेंगे और शाम को। 8-7 घंटे तक इसके अंदर से झाड़ू निकलती है, इसी जैसे मस्टर्ड ऑयल के अंदर से निकलता है, आंखों के अंदर लगता है, प्याज से भी तेज होता है, वो झाड़ बोलते हैं, वो निकलती हैं। अभी सुबह तक की भिगो दी है, ले आएंगे अभी पीछे ही बांधते हैं, रात को घर पे लेके आते हैं। अरे गद्दों पर बैठती हैं गद्दे, मेरी दाल न रंधते 2 घंटे हो गए हैं। दाल गई है रंधे, ये भी इसने मैं तार लूंगी, भीतर लाऊंगी छोंक। मेरी सासू ने बोले काड माखी गणी है, रहने दे भीतर ला ले, गैस पे लाऊंगी मैं। ये मैंने जब आधा मैं दाल दरी, जब 1 चम्मच नमक की आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच घी की घेर दी थी, आकिया फिर सही बन जाए। मैंने 1 घंटा लिया, 2 टमाटर लिए हैं, 4 पोथी लहसुन के लिए है, 2 हरी मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन में कुंडी में कूट लूँगी, टमाटर प्याज में काट लूँगी छोटे छोटे करके, फिर मैं इनके छोक दूँगी। आरामा तो मैं दाल में तार लाई हूँ, ये भी इन्हें रफड़ दूंगी, चेड़ी मारे पछे घुट जाएगी, स्वाद लगा कर इन बालक पे छोकी दाल भी खा लिया कर। दाल मेरी घुट गई है, और मेरे ससुराल कई दिन हो गए थे कहते हैं दाल दर लो दाल दर लो, मैं हम ले आकर अपने घर के चने फिर दाल दर आकर बाजार की दाल में और बेसन में आकर मिलावट, हम तो अपने घर की दाल बनाया कर। मैं लाऊंगी सरसों का तेल में छोक, हम घी में ला लिया कर सरसों का तेल में ला लिया करा।
मैंने एक चम्मच सरसों का तेल लिया, दो तेज पत्ता लिया है और दो लाल मिर्च सूखी हुई और एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है। मैं इन्हें छोक दूंगी। तेल मेरा गर्म हो गया, अब गेरूँगी तेज पत्ता, लाल मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, फिर गेरूँगी मैं राई, जीरा। मैंने ये राई गिर दी, यो गेरूँगी मैं जीरा। मेरे सासू जो है दूध और सूखा पापा दाल काट लिया था, शाम का टाइम हो या सुबह का टाइम हो, दूध की जिम्मेवारी मेरे सासू की है, मेरी तो रोटी टुका की है, झाड़ू पोछा की है। प्याज मैंने गेर दी है, जो कुंडी मसाला कुटा था वो गेर दिया है। प्याज जान करूँगी मैं थोड़े थोड़े लाल, घने नहीं पकाऊँ, थोड़ा कच्चा पन रख लूँगी तो मिठास सारे जागा इनमें। प्याज ने हला ले नहीं तो जल जा कर छोक मंदी गैस कर दे, तेज गैस पे तो जड़ा बना रहा वही रहा नहीं, थोड़ा भाई बीच में नहीं दिखा है यो पक नहीं रहा, थोड़ा तेज कर दे फिर मंदी कर दे। प्याज मेरे बूंद गए हैं, इब मैं गेर दूंगी मैं टमाटर, टमाटर फिर मैं गड़ाऊंगी थोड़ी बार, फिर इन्हें थोड़े हेर चम्मच की दाब दे, थोड़े दाब ले तो सही दब जाए, सही भून जाए। टमाटर मैं थोड़ी बार मंदी आंच पर पका लूँगी, फिर इसमें मैं और मसाले सूखे मसाले पाछा डालूँगी, जब ये थोड़े टमाटर नू हो जा गड़ से गए जब गेरूँगी, फिर इसमें अच्छा वो आओगा भाई सारे मसाले पक जाएंगे, नहीं तो पहला गेर दिया हूँ मैं मसाले जल जाए छोक में पानी गाला हाँ जब इतने तो वह सारे जल जाए, नीचे लाग सा जा है सा मसाला का स्वाद बिगड़ जाए, फिर और पाछा डाले तो मैं स्वाद बहुत टेस्ट लग गया कर, मारे तो गिरके नु का कर पाछा गा लिया कर भी स्वाद आव है साग में। टमाटर मेरे गल गए हैं, इभी इसमें गेर दूंगी मैं दो चम्मच धनिए की, थोड़ी ही हल्दी, थोड़ा नमक, क्योंकि नमक मैंने पहला भी गेर रखा था और हल्दी भी मैंने पहला गेर रखी थी, मैं थोड़ा पानी गाल कर और ढक कर छोंकना पकाऊंगी, फिर मेरा छोंक एक नंबर का पकेगा। वीडियो लाइक करियो, आप लाइक करो हो तो हमारा हौसला बढ़ा है, चैनल ने सब्सक्राइब करियो, दाल एक नंबर की बन रही थी, हांडी में दाल रांध के देखियो बहुत स्वाद बना है, चाहे गैस हो चाहे आ रहे हूँ उसमें बहुत स्वाद लग गया करा अंडे की दाल। टमाटर थोड़े हे दाब से ले इनका जी हा मिला ले वो टेस्टी दाल बनाए, फिर इस न्यू कराता तो सूखी सब्जी हो तो मैं ये टमाटर में मिक्सी में पीसा करूँ ना तो न्यू एरो हर सब्जी में मैं न्यू डाल लिया करूँ टमाटर आन करके दाब के।
बहुत टेस्टी सब्जी बनाया करें। ये मैं गे रू हूँ दाल, दाल छोक मेरा सारा पक गया है, दाल गाल के इम थोड़ा सा पानी गाल दूंगी, थोड़ी ही करड़ी करड़ी दाल नहीं बने, पतली पतली बन जाएगी, थोड़े है आँच ला दूंगी कह या रंध के एक नंबर की दाल बन जाएगी। ये बांडे में थोड़ा पानी गाल के मैं दो के दाल में गाल दूंगी, जरूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा पानी और फालतू गाल दूंगी दाल में, फिर यह पतली बन जाएगी, सही बनेगी। मैं बेसन ढक दूंगी, एक बाफ लाऊंगी, इतना मैं चून बेलूंगी, फिर पोंगी रोटी में। ये बीस में मैं थोड़ा गरम मसाला गिर दूंगी, थोड़ी खटाई खातर आमचूर गिर दूंगी, क्योंकि मेरे ससुराल ने खटाई पसंद है फालतू, तो हम खटाई सब्जी में ज्यादा ही खाया करा, कम नहीं खा। मंदी आँच पे दाल मेरी बनेगी है, चून मन बे लिया है, वीडियो लाइक जरूर करा करो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।